आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है। और जब से सरकार बनी तब से गंभीरता पूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाही भी हुई। मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, ड्रग का प्रचार प्रसार न केवल हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करता है, लाखों लाखों परिवारों को बर्बाद करता है और कई प्रकार के सामाजिक दूषण भी कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए भी इससे खड़े होते हैं। आगे मैंने कहा ऐसे आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी इसके मुनाफे का जो देश भारत में आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं। और देश के अर्थतंत्र के अंदर ये डर्टी मनी की प्रेजेंस देश के अर्थतंत्र को भी खोखला करती है।